उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं तो LHB पार्ट 2 के शॉर्ट पास्ट पेपर कर रहे हैं और आज हम करेंगे ग्रुप ए पास्ट पेपर 94 पेज आप ओपन कर लीजिए। जिनके पास ये पास्ट पेपर है वहाँ पे ये सारे सवाल मेंशन है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि मैम पता नहीं कहाँ से पढ़ा रही हैं, कहाँ पर ये सवाल हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं। साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी कि आपने बुक से अगर याद करने तो बुक से कर लीजिए, पेज नंबर मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी, और अगर आपने पास पेपर से करने हैं तो पास पेपर से कर सकते हैं एज योर चॉइस। सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो बगैर टाइम वेस्ट किए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और LHB पार्ट 1 और पार्ट 2 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट टिप्स या नोट्स हैं आपके साथ शेयर होते हैं। सो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन यूनिसेफ एंड इट्स फंक्शन, ठीक है। यूनिसेफ हमने डिस्क्राइब करना है और यूनिसेफ के फंक्शन हमने बताने हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिसेफ का मतलब क्या है। यू फॉर यूनाइटेड, एन फॉर नेशन, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रन, ई फॉर एमरजेंसी एंड एफ फॉर फंड्स। यूनिसेफ जो है इसकी एब्रीवेशन या इससे जो वर्ड्स बनते हैं ना वो नीचे मैंने मेंशन कर दिए हैं। यूनिसेफ स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड्स, ठीक है। प्रॉपर हम डेफिनेशन करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये स्टूडेंट यूनाइटेड नेशन यानी अक्वामे मुत्तहिदा की नेशन जो होती है ना उसकी एक एजेंसी है। यूनिसेफ इज़ आ वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन दैट एडमिनिस्टर प्रोग्राम्स टू हेल्प एजुकेशन, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इन डेवलपिंग कंट्रीज। अच्छा जी, इसका मकसद क्या है स्टूडेंट? इसका मकसद है कि जो एजुकेशन है, जो लोग एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उनको हेल्प आउट करना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज उनको जो है हेल्प आउट करना, ये यूनिसेफ की जिम्मेदारी है। अब हम देख लेते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहला फंक्शन जो है ना, ये सारे फंक्शन मैंने लिखे हुए हैं, 10 फंक्शन हैं, इसमें से तकरीबन आप 7-8 भी याद कर लेंगे ना तो काफ़ी रहेगा। फंक्शन में सबसे पहली चीज़ आती है चाइल्ड हेल्थ, ठीक है। दूसरी है प्राइमरी हेल्थ केयर, इम्यूनाइजेशन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, चाइल्ड न्यूट्रिशन, विलेज लेवल टेक्नोलॉजी, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, अर्बन सर्विसेज, HIV एंड एड्स, सोशल वेलफेयर। इन सारे फंक्शंस को स्टूडेंट हमने अब थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है ताकि जो हमारा ये 10 नंबर का सवाल है ना वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाए, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये तभी आपको याद होंगे जब आपको इन चीज़ों का पता होगा, थोड़ा सा आपको इंट्रो करना आएगा या इसको एक्सप्लेन करना आ जाएगा ना तो आपको ये हेडिंग्स भी याद रहेंगी। सो पहली हेडिंग जो हमारी है वो चाइल्ड हेल्थ है। यूनिसेफ आपने जस्ट सिंपल सा डिस्क्राइब कर देना है कि यूनिसेफ वर्कआउट कर रही है चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज के लिए ताकि जो है बच्चों की अच्छी सेहत बने, अच्छी नशोनुमा हो, ठीक है। इसके ऊपर यूनिसेफ वर्कआउट कर रही है ताकि बच्चों की हेल्थ इम्प्रूव हो। दूसरा है प्राइमरी हेल्थ केयर। यूनिसेफ जो है वो मटर्नल और चाइल्ड हेल्थ के लिए जो है ना वो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रही है। प्राइमरी हेल्थ केयर वो हेल्थ केयर होती है जो कि फर्स्ट लेवल पे हम हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, जो केयर हम फर्स्ट लेवल पे प्रोवाइड करते हैं उसको हम प्राइमरी हेल्थ केयर बोलते हैं, ठीक है, पहली केयर। तीसरी है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन यूनिसेफ सपोर्टिंग द मेंबर ऑफ कंट्री इन द प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। बहुत सी कंट्रीज़ हैं जिनके मेंबर्स को जो है वो यूनिसेफ इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है। इम्यूनाइजेशन से मुराद यानी जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफ़त या फिर जो बीमारी से लड़ने की कुव्वत जो है ना उसको सपोर्ट करना, ठीक है। इम्यूनाइजेशन के हवाले से भी यूनिसेफ जो है वर्कआउट कर रही है। फिर आ जाता है वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। यूनिसेफ जो है वो चाहती है कि लोगों को साफ़ सुथरा पानी मुहैया हो, सैनिटेशन का निज़ाम जो है वो अच्छा हो, इसके ऊपर भी यूनिसेफ वर्क कर रही है। इसके बाद आता है चाइल्ड न्यूट्रिशन। देखें, चाइल्ड की न्यूट्रिशन अच्छी होगी तो वो माल न्यूट्रिशन से बचेंगे। माल न्यूट्रिशन अगर होगी बच्चों में तो वो बीमारियों का शिकार होंगे, बच्चों की हेल्थ डिस्टर्ब होगी। तो यूनिसेफ जो है वो चाइल्ड न्यूट्रिशन के ऊपर भी वर्क कर रही है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है विलेज लेवल टेक्नोलॉजी, यानी विलेज जो गांव के लोग हैं उन लोगों को कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज चाहिए उसके ऊपर भी जो है वो यूनिसेफ वर्क कर रही है। फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ज़रूरी और गैर ज़रूरी तलीम,
ठीक है, इसके ऊपर भी यूनिसेफ काम कर रही है। अर्बन सर्विसेज, शहरी सर्विसेज, शहरों में किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर भी यूनिसेफ जो है वो वर्क कर रही है। फिर आ जाता है HIV एंड एड्स, ये जो बीमारी है, वायरस जो फैलती है, इसको कंट्रोल करने में भी यूनिसेफ जो है वो अहम किरदार अदा कर रही है। सोशल वेलफेयर, सामाजिक फलाह बहबूद, यानी हमारे माशरे में जो भी फलाह बहबूद का काम है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके ऊपर भी जो है वो यूनिसेफ वर्कआउट कर रही है। तो ये सारे फंक्शन जो हैं वो यूनिसेफ के हैं। मेन जो काम है ना इसका ये है कि मटर्नल और चाइल्ड हेल्थ और एजुकेशन के प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग करना और इसको हेल्प आउट करना, इसके लिए मदद फ्राहम करना, ये यूनिसेफ का काम है। पहली चीज़ जो आपने इसमें याद रखनी है वो ये कि इसका क्या मतलब है, यूनिसेफ से क्या मुराद है। दूसरी जो है वो आपने डेफिनेशन इसकी लिख देनी है प्रॉपर, और ये फंक्शन जो है इजी से हैं, ठीक है, कोई भी मुश्किल नहीं है। एक दो दफ़ा आप इसको पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। इनको चाहे आप रट्टा मारें, आपने इन हेडिंग्स को याद करना है और एक्सप्लेन जो है ना वो आप अपने माइंड से या अपनी सेल्फ राइटिंग से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट हम करेंगे स्टूडेंट डिफाइन पब्लिक हेल्थ एंड राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ये भी पहले ग्रुप ए पेपर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है और काफ़ी दफ़ा आ चुका है, सो ये हम कल करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।